मास रेस्टोरेंट पे पाए लाजवाब जायका, अपने मनपसंद खाने का स्वाद, वेज नॉन वेज की स्पेशल वैरायटी, चाइनीज मुगलाई फैमिली रूम भी अवेलेबल। यही नहीं, स्वीट एंड बेकरी में काजू की बनी अलग अलग वैरायटी के गिफ्ट, मिठाइयाँ, दूध और मावा मिठाइयाँ, हलवा, माद स्पेशल, नमकीन, केक और भी बहुत कुछ। मिठाइयों का मैन्युफैक्चर पाएं 10% का डिस्काउंट। मास रेस्टोरेंट स्वीट एंड बेकरी पे आए खाने और स्वीट का स्वाद पाएं। मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। आखिर जाए तो कहाँ जाए, हॉकर्स इनका ठिकाना कहाँ है, इनका सुनने वाला कौन है, इन पे दया करने वाला कौन है। मैं उन हॉकर्सों की, उन हाथ गाड़ी पे केला भाजी बेचने वालों की बात कर रहे हैं, जो आए दिन टीएमसी के कार्रवाई की चपेट में आ जाते हैं। कार्रवाई के दौरान जो बच गया वो काफ़ी खुश हो जाते हैं, जो नहीं बचते वो मानो उनके पांव तले जमीन खिसक जाती है। एकलौता रोड जो मुमरा स्टेशन से लेकर कौसा के बीच अक्सर हाथ गाड़ी जगह जगह लगती है। कई ऐसे स्पॉट हैं जहां हाथ गाड़ी लगती है, जिससे ट्रैफिक की भी समस्या होती है, और शिकायत मिलने पर टीएमसी इन हॉकर्सों पर कार्रवाई करती है। उनकी भी क्या गलती है, वो तो अपना ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन इस शहर के नेता विकास की गंगा बहाने वाले इन हॉकर्सों के लिए कितना सोचते हैं ये भी मायने रखता है। सोचते हैं या फिर इन हॉकर्सों के साथ खिलवाड़ आश्वासन पे अपनी दुकान चला रहे हैं। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये कल शाम 5 बजे से लेकर 8 बजे के दरमियान की है। संजय नगर से मुमरा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त व उनकी टीम, हेमंत लोखंडे, मोरे और अन्य अधिकारी और कर्मचारियों ने मिलकर कार्रवाई की, शुरुआत की और शिमला पार्क तक जाकर ये कार्रवाई खत्म हुई। इस दौरान एक तरफ से हाथ गाड़ी शेड जो दुकान के बाहर लगते हैं और शोरमे की गाड़ी, कुछ हॉकर्स पर जमकर सागर सालुंके ने कार्रवाई की। उनका कहना है, जिस तरह से आज मुमरा कौसा में कार्रवाई किया गया है, इसी तरह से हर रोज कार्रवाई किया जाएगा। अब ये तस्वीर देखें, जिस वक्त कार्रवाई किया जा रहा था उस वक्त एक तरफ कार्रवाई हो रही थी और दूसरी तरफ एकलौते रोड की क्लीन की बात हो रही थी, ट्रैफिक फ्री की बात हो रही थी। लेकिन शहर के नेता इन हॉकर्सों के लिए आगे कब आएंगे, जो इनके लिए लीगल हॉकर्स जोन बनाकर दे सके, क्या ऐसा हो सकता है मुमरा शहर में, या फिर उनका नाम ही काफ़ी है। एक तरफ आदेश देते हैं ट्रैफिक जाम की और दूसरी तरफ कार्रवाई के कुछ पल नहीं बीतते छुड़ाने भी पहुंच जाते हैं, उनका नाम ही काफ़ी है। हॉकर्सों के लिए इतना बड़ा काम काफ़ी है, कम से कम छुड़ाने तो पहुंच जाते हैं। ये झलकियां हैं सैटरडे शाम की, रात में जो कुछ भी मिला उस पर टीएमसी का हथौड़ा चला। कल किसी और इलाके की बारी हो सकती है, लेकिन उन्हीं हॉकर्सों के बीच एक आवाज़ आती है सागर सालुंग के, एक तरफ से कार्रवाई करते हैं, किसी को छोड़ किसी को तोड़ नहीं करते, लेकिन इस हॉकर्सों पर कब तक हथौड़ा बरसेगी। दावे करने वाले हॉकर्स को हक दिलाने वाले मसीहा कहाँ हैं, ये सवाल बना हुआ है, बना रहेगा। देखिए इस पूरी खबर में ठाणे महानगर पालिका किस तरह से कार्रवाई की है। इस पूरे तस्वीर में आपको पूरी झलकियां दिखेंगी, जो संजय नगर से शिमला पार्क तक किस तरह से दुकानों के बाहर जो शोरमे की गाड़ी हो या चाइनीज़ की गाड़ी हो या हाथ गाड़ी हो या अन्य चीज़ें हो, किस तरह से जो है कार्रवाई सागर सालुंखे ने की है। और उनका मानना है, उनका कहना है, इसी तरह से हर रोज़ हर इलाके में कार्रवाई होगी। बापड़े कसे भेटणार